फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। प्रियंका चाहर चौधरी का आ रहा है सॉन्ग, लेकिन साथ में लेकर आ रहा है मुसीबतें। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, आ रहा है निमरित का भी साथ में सॉन्ग प्रियंका चाहर चौधरी के, और दोनों की थीम एक ही नजर आई। तो इस बात को लेकर के फैंस ने काफी ज्यादा ऑप्शन उठाए, ऑब्जेक्शन उठाते हुए नजर आए, कहने लगे कि यार इतने टाइम बाद हम प्रियंका का सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ऐसे में निमरित कौर का क्यों आ रहा है साथ में सॉन्ग? अब कुछ फैंस चाहते हैं कि अच्छा है, चलो कंपटीशन हो जाएगा, पहले जो हार मिली थी निमरित के सॉन्ग से, शायद इस बार हम निमरित कौर को टक्कर दे पाएं। लेकिन देखो ऐसा कुछ भी नहीं लगता मेरे को, क्योंकि यार दोनों का ही ब्राइडल लुक में आ रहा है, दोनों ही सॉन्ग में दुल्हन नजर आएंगी, और दोनों के सॉन्ग की शूटिंग भी एक साथ ही स्टार्ट हो रही है। अब बात यहाँ पर यह है कि आगे पीछे सॉन्ग आएगा तो कोई बात नहीं, अगर साथ में आता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि सिंगर कौन होगा, आखिर लिरिक्स क्या होंगे इस सॉन्ग के, क्योंकि यार सॉन्ग के लिरिक्स और सिंगर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। निमरित कौर आहलूवालिया पहले भी अपने दो धमाकेदार सॉन्ग दे चुके हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल करी है। वहीं पर अगर हम बात करें अपनी प्रियंका चाहर चौधरी की, तो उन्होंने अब तक शायद ज़्यादा धमाकेदार कोई सा भी सॉन्ग नहीं दिया, और इसी चीज़ से फैंस काफ़ी निराश भी हैं। तो वो इस सॉन्ग पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि निमरित से इस बार नहीं हारना, लेकिन निमरित तो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ न्यू सॉन्ग की तैयारी कर रही है। क्या लगता है आपको, निमरित का अच्छा होगा या फिर प्रियंका का?